श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पांचवी भूमिका का वर्णन है। नूर देखो भौम पांचवी जित मंदिर नूर से जय। पांचवी भूमिका के चिन्मयता को देखो कि जहाँ मंदिर है पूरा पांचवी भूमिका में अन्य भूमिकाओं की भांति अलग अलग स्थान तो है ही, और ये बीच में जो नौ चौक कहे गए हैं उसके भी बीच का चौक है, तो वो पूरा ब्रह्मात्माओं के लिए श्री राज्य और श्यामा जी के लिए विश्राम कक्ष है। तो उसके भी बीच में तो अक्षराते धामधनी और श्री श्यामा जी के लिए विश्राम कक्ष है। वो दो मंदिर भाई दो मंदिर ऐसा कहते हैं। तो दो मंदिर को आज के हिसाब से फुट में गिनते हैं तो करीब करीब 90,000 स्क्वायर फुट होता है, तो कितना बड़ा और विशाल क्षेत्र होगा। तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं होंगी। राज्य का कक्ष होगा, श्यामा जी का कक्ष होगा, तो ऐसे और उसमें कई कक्ष होंगे जो विश्राम करने के लिए, जहाँ दोनों बैठते हैं दोनों विश्राम करेंगे तो वो भी कक्ष होगा। इस प्रकार से ना ऐसे अलग अलग प्रकार के कक्ष होंगे, विभिन्न प्रकार के साधन सामग्रियाँ वगैरह वहाँ पर होंगी, और जैसे चाहेंगे उस प्रकार की सुविधाएं उपस्थित भी हो जाती है। तो इसलिए बहुत प्रकार की सुविधाओं से युक्त होगा, तो वो हम लोगों को सोचना चाहिए। केवल एक हॉल है ऐसा नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार से देखा जाए ना तो परमधाम के एक एक दृश्यों पर विचार करेंगे तो बहुत कुछ ख्याल आएगा। तो यहाँ लिखा तो बहुत कम है, ये भी केवल सुंदर साथ को थोड़ा समझ में आ जाए, कुछ है इधर के और उनका मन लग जाए तो वो समझने के लिए प्रयत्न करें। तो जैसे ही आत्मा में जागृति आ जाएगी, देखने लगेगा, तो फिर उनको पूरी पूरी तरह से समझ में आएगी। इसके हिसाब से एक आधार बनाया समझाने का, परमात्मा के विषय में, परमात्मा के धाम के विषय में तो इतना कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, वो शब्दातीत है। तो उसको फिर भी समझाने का प्रयत्न किया ताकि जिन किसी की भी श्रद्धा बनती है तो वो समझने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न कर ले। जित मंदिर नूर से जब वहाँ मंदिर है और सैया वगैरह भी बहुत सुंदर हैं। 12,000 माहौल नूर के, वहाँ 12,000 माहौल हैं भिन्न भिन्न प्रकार के। सब नूर रेजा तो सब ये प्रकाश से परिपूर्ण है वहाँ के कण कण में, और कितनी तो उसमें रास्ते वगैरह हैं, कितना तो उसमें भवन है, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के, और कितने स्तंभ हैं, कितने दीवार हैं, और कितने खिड़कियां हैं, कितने द्वार हैं, और कितने उनके तोरण हैं, वो कितने प्रकार के विविधता है। तो ये बता रहे हैं नूर पौरी नूर द्वार ने, और जो भी वहाँ पर कमान वगैरह तोरण हैं वो भी चिन्मय रूप में है, द्वार भी उसी प्रकार से हैं, गलियाँ हैं, स्तंभ हैं, तो ये सब उसी प्रकार से नूर गलियाँ स्तंभ और ऐसा नूर प्याले रूहे पी वही ले भर भर नूर सरस। और परमधाम की तो भाषा भी प्रेममयी है, और प्रेम का ही आदान प्रदान होता है।
तो ब्रह्मात्मा हमेशा अक्षराते धाम धने के प्रेम का पान करती रहती है। इसलिए वो उसमें बड़ी दिव्यता है। ए नूर के चौक चबूतरे माहे नूर के मोहल मंदिर चौक चबूतरे, सब प्रकाश से परिपूर्ण है। मोहल मंदिर वगैरह सब में प्रकाश, सबसे प्रकाश निकलता है। नूर स्वरूप लहरें ले वही माहे नूर बाहर अंदर, जो अक्षराते धाम धनी का स्वरूप है, श्यामा जी का स्वरूप है, ब्रह्मात्माओं का स्वरूप है, उनसे भी प्रकाश निकलता है। तो उसके भी लहरें उठती हो, तरंगें वगैरह उठती हो, ऐसा लगता है। तो बाहर भीतर जिधर देखो ऐसा दिखाई देता है। चौकी संदूक है, नूर की चौकी है, संदूक वगैरह जो भी है सामग्रियाँ, सब सुंदर नूर समान, सब सुंदर हैं। और सब में एक बात समानता है कि सब में से प्रकाश निकलता है। तो अभी यहाँ प्रकाश की बात कर रहे हैं, इसलिए बाकी तो उसमें चेतनता भी है, बात भी कर सकते हैं, सुगंध भी है, कोमल भी है, तो ऐसे बहुत विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर प्रकाश की बात कर रहे हैं, तो इसलिए सर्वत्र प्रकाश निकल, सबसे प्रकाश निकलता है। नूर भरे माहौल शोभित, एक यूँ कहूँ नूर बयान, तो सारे माहौल मंदिर वगैरह सब प्रकाश से ओतप्रोत हैं, प्रकाश से ही परिपूर्ण हैं। सब जोगवाई नूर की, नूर का सब साज, सारी सामग्री सारी व्यवस्थाएं सब सबसे प्रकाश निकलता है। कहाँ लगा कहूँ मैं नूर की, सब नूर ही रहा विराज, तो इस दिव्य प्रकाश की बात मैं क्या करूँ। ये पूर्ण ब्रह्म के ही उनके ही चिन्मय अंग में से ये सब सामग्रियाँ हैं, तो इसीलिए उसमें सभी प्रकाश निकलता है। सब मोहला एक अनंग नूर के, जो नूर सागर माहे तरंग, वैसे देखा जाए तो पूरा महल एक ही रत्न का है, एक ही नंग और एक ही रत्न का है, और उसमें से अलग अलग प्रकार के प्रकाश के तरंग निकलती है। यों कई विध मोहल नूर के माए कई नूर रस रंग, तो ये अलग अलग प्रकार के महल मंदिर और सामग्रियाँ हैं, तो उनसे भिन्न भिन्न प्रकार का प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देता है। ए नूर भौम फिर देखिए, नूर झरोखे नूर बना, तो अब ये प्रकाशमय भूमिका को इसको देखते हैं, पांचवी भूमिका को। तो अंदर से लेकर के बाहर तक आएंगे तो बाहर के पंक्तियों में मंदिरों के झरोखे वगैरह हैं, वहाँ से देखते हैं तो बाहर का वन वगैरह दिखाई देता है। नूर द्वारा आए फिर नूर 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 रोशन, और चारों तरफ घूम करके फिर मूल द्वार के तरफ आ जाएंगे तो सब जगह प्रकाश से प्रकाश फैल रहा हो ऐसा दिखाई देगा। कई चौक देखिए नूर के, कई सीढ़ियाँ नूर दीवाल, तो वहाँ कई चौक मिलेंगे, कई चबूतरे मिलेंगे, उसमें चढ़ने उतरने की सीढ़ियाँ भी मिलेंगी, ऊपर नीचे चढ़ने की भी मंजिलों में उसकी भी सीढ़ियाँ हैं। तो ऐसे दीवाल वगैरह बहुत से दृश्य दिखाई देंगे। कई थम्ब गलियाँ नूर की, कई मोहल नूर पड़शाल, कई बड़ी बड़ी बड़े बड़े स्तंभ दिखाई देंगे, कई ऐसी वीथिकाएँ दिखाई देंगी। वो छोटी गली नहीं है, बहुत बड़ी होगी। तो यहाँ के तो बड़े बड़े हाईवे से भी बड़ा तो ऐसी तो उनको तो वहाँ पर गली कहा है। और कई महल हैं, कई प्रतिशाल हैं, तो जो भी देखते हैं तो उन सब से प्रकाश निकलता है। नूर ऊपर तले माहे बाहर, कई बेल फूल नूर नकस, तो इसमें ऊपर नीचे बाहर भीतर जिधर भी देखो तो सबसे प्रकाश निकलता है। और जहाँ जहाँ चित्रकारी है तो उसमें वो लताओं की चित्रकारी हो, पुष्पों की हो, फलों की हो, पत्तों की हो, जिस प्रकार के भी चित्रकारी होगी उसमें से भी प्रकाश निकलता है। घोड़े कमाड़ी नूर चौखट भरिया सागर नूर रस, कमाड़ी कमाड़ है केवाड़ तो वो दरवाजे, तो और चौखट तो वो चौखट है वैसे, और वो चौखट और दरवाज़ा बंद करते हैं तो पीछे से वो अर्गला लगता है, तो उसको घोड़ा कहा है, घोड़ा घोड़ी। तो ऐसे
तो इन सब में जो भी देखें तो सब में से प्रकाश से प्रकाश निकलता है। भरया सागर नूर रस, झरो के नूर गिरदवाए, तो चारों तरफ के झरो के हैं वो प्रकाश से परिपूर्ण है। नूर शोभा कहीं न जाए, उनकी शोभा का कोई पारावार नहीं है। कछु नूर स्वाद तो आवई, जो नूर लीजे दिल लाए, कछे कभी उसके दिव्य प्रकाश का आस्वादन करना का मतलब उसको चाखना, ऐसा जीव से चाखने की बात नहीं है, तो उससे उसको देख करके ना उसमें से आनंद लेने का, तो वो किसी को कभी कुछ वो लगता हो तो ही वो दिल लगाएंगे, तब जा कर के उसका आस्वादन प्राप्त कर पाएंगे, उससे आनंद का अनुभव कर पाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं। नूर मंदिर फिर देखिए नूर झरो के, इस प्रकार मंदिर झरो के वगैरह जो भी देखें चारों तरफ से, तब नूर बना आवे नजरों, नूर पशु पंखी खेले जे, तो तब बाहर के ओर दृश्य देखते हैं तो वृक्ष वन वगैरह उपवन वगैरह ऐसे बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, वहाँ पर पशु पक्षी वगैरह क्रीड़ा कर रहे हैं, तो झरोखे में बैठ कर के देखेंगे तो सारा दिखाई देगा, दूसरे झरोखे भी दिखाई देंगे, तो ये अंदर से बाहर की ओर देखने का देखने के दृश्य की बात कर रहे हैं। अब अपने छठी भौम की ओर चलते हैं। भौम छठी नूर झील मिले सबठ और नूर नाम, तो ये छठी भूमिका है, ये भी तो उसी प्रकार से झिलमिलाती है। सबठ और नूर नाम सर्वत्र, वहाँ भी प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। नूर रूहे खेले नूर में सबर आया नूर में जाम, तो ब्रह्मात्मा वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की क्रीड़ाएँ वगैरह करती है, कभी तो वो विमानों को देखने के लिए जाएंगे, कभी अंदर दूसरे किसी और दृश्य को देखने के लिए, राज्य एक एक चीज बताने के लिए भी कभी ले जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मात्माएं तो राज्य के प्रेम में मस्त होती है, तो कभी राज्य उनको सब दिखाने के लिए देखो ये भी देखो ये भी देखो, तो उनको अलग अलग प्रकार से आनंदित करने के लिए ले जाते हैं, तो इसलिए सर्वत्र इस प्रकार का ही दिखाई देगा। तो सब खेलते हैं नूर में नूर रया नूर में जामा, तो इस प्रकार वो नूर में ही नूर उसमें वो व्याप्त है ऐसा दिखाई देता है। नूर चौक मंदिर फिरते नूर चबूतरा बैठक, मंदिर चौक चारों तरफ के देखेंगे बैठने के लिए चबूतरे वगैरह, जहाँ भी देखो इतना बड़ा क्षेत्र है तो कितना कितना विशाल होगा, तो वहाँ क्या क्या देखना है। तो नूर वर्षत कई हवेलियाँ, नूर बैठक रुए हादि हक, जहाँ अक्षराते धाम धनी की बैठक हो, श्यामा जी भी विराजमान होती हो, ब्रह्मात्माएं विराजमान होते हों, तो ऐसी हवेलियाँ बैठक वगैरह उन सब से प्रकाश से प्रकाश की वर्षा हो रही हो ऐसा लगता है। नूर बैठत नूर उठत नूर चलत नूर निदान, चलते फिरते बैठते तो उस समय भी वो प्रकाश से इधर उधर उसकी तरंगे इधर उधर तरंगित हो रही हो ऐसा लगता है। सब ठौरव नूर पूरन जानो सब गंज नूर सवान, पूरन सारे स्थान है प्रकाश से परिपूर्ण है, और ये इस प्रकाश का ही गंज का तात्पर्य प्रकाश पुंज है, सर्वत्र ऐसा ही दिखाई देता है। ए मध्य चौक भरया नूर का और फिरते मोल नूर तिन, तो अब ये जहाँ भी अलग अलग प्रकार के ये हवेलियाँ हैं और उनके चारों तरफ से अलग अलग प्रकार के महल मंदिर वगैरह, तो इस तरह से चारों तरफ वो ऐसे चारों तरफ महल मंदिर वगैरह हैं, तो तीन गृद नूर हवेलियाँ, उनके चारों तरफ हवेलियाँ हैं, ऐसे अभी ये चौक आने का बीच का चौक भी कह सकते हैं, उनके चारों तरफ फिर हवेलियाँ वो शुरू हो जाती है। इस तरह से कितने की गिनती करें, ये नूर गिनती करो जुआ कि न कौन सी जीवा से इसकी गिनती करें। तेन परे नूर नूर के परे नूर मोहल की गिनती नाहे, तो उनसे जिधर भी जाएंगे उधर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, तो ऐसे प्रकाशमय महलों की कोई गिनती नहीं है।
नूर जिन से कई जुदी जुदी ए नूर आवे नहीं सब माहे, तो कहाँ कहाँ से कैसा कैसा प्रकाश निकल रहा है उसका कोई पारावारी नहीं, हिसाब में नहीं आता है, सब सामग्रियों से परिपूर्ण है, तो उनके कोई भी इस उसको हिसाब नहीं कर सकते। जो मोहल नूर किनार के नूर लेखे में आवे क्यों कर, जितने भी मोहल हैं किनार के का कहने का तात्पर्य बाहर की पंक्ति के, रंग भवन के बाहर की पंक्ति के मोहल हैं, तो उनके विषय में भी नूर लेखे में आवे क्यों कर, उनकी भी क्या गणना करें। बोलने में 6,000 मंदिर बोल दिया, बाकी तो गिनती कर ही नहीं सकते हैं, उनमें क्या क्या सामग्री है, कैसी है, किस प्रकार से है, तो एक एक का एक मंदिर का भी वर्णन करने बैठेंगे तो पूरी वस्तुओं का वर्णन नहीं हो सकता है। इसलिए ए नूर रूहे देखा था फिर नूर नजर, तो ये ब्रह्मात्मा ही देख सकती है और वो अंतर की दृष्टि से देख सकती है। मोहल झरोखे जो नूर के आवत नूर वार, इन महलों से झरोखों से तो उनसे वो सुगंध ही निकलती है, तो वो प्रकाश निकलता है तो उसमें से सुगंध निकलती है। इन जुवा इन नूर की नूर को ए नूर आवे न माहे सुमार, तो इस जुवा से ऐसे प्रकाश का वर्णन करना चाहे तो संभव नहीं है। कई महलों में नूर थम्बा तीन कई थम्बों नूर न कसा, कई महलों में ये तेजोमय प्रकाशमय स्तंभ हैं, तो उनकी नक्काशी वगैरह उनमें अलग अलग प्रकार की चित्रकारी है। नेक नकस नूर देखिए, तो और किसी भी एक चित्रकारी को भी देखने लग जाएंगे तो लगता है जानो ए नूर शबत है सरस, उसमें से जो प्रकाश निकल रहा है वो सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा लगता है। कई बन बेली नूर के कई नूर पशु जानवर, तो ये नक्काशियों में भी क्या है कि कहीं पर लताएं वगैरह बनाई है, कहीं पर पशु हैं, कहीं पक्षी हैं, कहीं लताओं में पुष्प हैं, पत्र हैं, वृक्ष हैं, फल हैं, ऐसे अलग अलग ऐसे नक्काशी हैं। कई नूर कटावते न बीच में नूर कहाँ लगा कहूँ क्यों कर, तो इसलिए तो ऐसे जो जो चित्रकारी की है तो उसके विषय में कितना वर्णन करें, ऐसी विविधता बहुत है। कहो न जाए नूर पातों को कोई नूर कांगरी पात माहे, ऐसे एक पत्ते का वर्णन करना चाहें तो एक पत्ते का भी वर्णन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी अलग अलग प्रकार के कहीं तो वो कांगरी जैसी डिजाइन दिखाई देती है पत्ते के बाहर के भाग में, और उसमें अलग अलग प्रकार के वो बहुत बारीकी से देखते हैं तो उसी में भी ना वो लताओं का चित्र हो ऐसे चित्रित हो, इस प्रकार का लगता है एक पत्ते में भी। कई नूर बेली एक पात में, लता के एक पत्ते से भी कितने प्रकार का प्रकाश निकलता है। सो कवक लग कहूँ नूर कहीं, तो कितने प्रकाश की बात करें, कहाँ तक वर्णन करें, कैसे करें, तो ये संभव ही नहीं है। एक पात कांगरी नूर देखिए नूर देखा तो उमर जाए, एक पत्ते के कांग उसकी कांगरी की बात देखना चाहेंगे तो वो जिंदगी बीत जाएगी तो उसको पूरी तरह से हम समझ नहीं पाएंगे, इतनी तो शोभा है। तो शोभा देख नूर कांगरी रूहे नूर क्यों न त्रपताए, तो ब्रह्मात्माओं को तो ये वहाँ की जो कांगरी है उसके बाहर के डिजाइन है उतने को देखने पर भी उनको कभी तृप्ति नहीं होती, देखते रहे ऐसा होता है, तो अक्षराते धामधनी वहाँ से उनकी दृष्टि दूसरी तरफ ले जा देते हैं तब जा करके वो दूसरी चीज़ को देख सकती है। तो ऐसी इतनी सुंदरता ये परमधाम की है। छठी भौम नूर पूरन जित रह नूर सुखपाल, अब छठी भूमिका में बाहर के मंदिरों की पंक्ति है तो वहाँ पर तो सुखपाल रहते हैं, सुखपाल के लिए पार्किंग का स्थान है। और जो 28 स्तंभ का चौक कहा गया है तो वो हाँ वो बड़े विमान के लिए, छोटे विमान के लिए अलग अलग मंदिर और बड़े विमान के लिए, तो ये बड़ी बड़ी नूर हवेलियाँ बड़े बड़े नूर पड़साल, तो वहाँ पर अलग अलग बड़ी बड़ी हवेलियाँ बड़े बड़े पड़साल प्रतिसाल वगैरह
बहुत सुंदर शोभा है। फिर देखिए नूर द्वार को मोल नूर चौक झलकता, तो बार बार देखते हैं ऐसे चारों तरफ देख करके फिर द्वार के तरफ आते हैं तो उसमें चौक वगैरह बड़े सुंदर उसमें चमकते हुए दिखाई देंगे। रुए खेले खुशहाली नूर में नूर नूरई में मल पता, तो ब्रह्मात्माएँ भी तो इसी चिन्मय प्रकाश को देख देख करके तो उसी में प्रसन्न होकर के झूलती रहती है, नाचती रहती है, खुश होती है। तो इस प्रकार से ये दृश्य है। तो छठी भूमिका में वो सुखपाल की बात करते हैं। तो जैसे तो सामान्य रूप से देखा जाता है तो 6000 मंदिर हैं बाहर की ओर, और 6000 मंदिर में तो 6000 तो सुखपाल हैं, छोटे विमान हैं, और बड़ा विमान है तो वहाँ पर वो उसमें बड़े स्थान पर रहते हैं। तब वो तो ऐसे तो अब कितने विमान कितने अलग अलग स्थानों में रहते होंगे, तो वहाँ जब चाहिए तो उसके लिए तो वहाँ के हैं। और दूसरी बात 6000 मंदिर की बात करते हैं, एक एक गिनते जाएंगे तो 6000 भी कहाँ होते हैं, वो तो स्थान है ना, 6000 मंदिर का तो वो स्थान है। तो उसमें उस हिसाब से तो उस स्थान पर ये विमानों का है, और विमान तो छोटे भी हो जाते हैं बड़े भी हो जाते हैं, तो इसलिए जितने चाहिए उतने विमान वहाँ पर रह सकते हैं। तो इस प्रकार की विशेषता है, तो उनमें वो छोटे भी होते हैं, समेट लेते हैं तो छोटे होते हैं, फिर उसको फैलाते हैं तो वही बड़ा होता है। अभी भी कितने ऐसे वाहन हैं तो वो देखने में छोटे लगते हैं, तो उनको बढ़ाना चाहें तो बड़े बन जाते हैं। तो ऐसा दुनिया में संभव है तो परमधाम में कैसे संभव नहीं होगा। कुबेर जी ने बनाया हुआ विमान, तो जिसको पुष्पक विमान और रावण चुरा करके ले गया था जबरदस्ती छीन करके, तो उस पुष्पक विमान की भी विशेषता इस प्रकार की थी, तो उसको बड़ा करना चाहें तो बड़ा हो जाता था, छोटा बनाना चाहें तो छोटा हो सकता था। तो इस प्रकार से तो उसमें ये विशेषता थी। तो अभी ये तो दुनिया की वस्तु है ना, अब परमधाम की सामग्रियों में तो बहुत विशेषताएँ होंगी ना, तो इस प्रकार की दिव्यता है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की ये नूर नूर में मल पता, फिर देखिए नूर द्वार को, फिर देखिए नूर द्वार को, मोहल नूर चौक झलकत, खेले खुशहाली नूर में, नूर नूरई में मल पता, नूर नूरई में मल पता।